हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है, कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से, ठीक है। इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यूरोपीय संघ को आर्थिक ताकतों से राजनीतिक ताकत बनने के लिए जिम्मेदार किन्हीं तीन प्रमुख कारक का मूल्यांकन हमें करना है। यानी देखा जाए तो यूरोपीय संघ जो थे आर्थिक ताकतों से राजनीतिक ताकत बनने के लिए कौन कौन से जो है कारक थे। कहते दोस्तों, किसी भी देश के लिए राजनीतिक ताकत बनने के लिए आर्थिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण होता है वहाँ के नागरिक और वहाँ के संसाधन। कहते हैं अगर संसाधन सही है और नागरिक जो है समझदार है तो जर्नल सी बात है वो कभी भी जो है आर्थिक ताकतों के रूप में बदल सकता है। लेकिन यही बात अगर दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो राजनीतिक ताकत जो है विघटित अगर होती है किसी भी देश में तो वहाँ का आर्थिक ताकत के रूप में नहीं बन सकता। अब इसका एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हो, भारत में देखिए यहाँ मल्टी सिस्टम पार्टी है, यानी कई यहाँ पार्टी जो है राज करती है। अब इतने सारे पार्टी होने कारण जो है भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती चली जा रही है। आप सोचिएगा, सरकार हमेशा ये बताती रहती है कि हम आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत हुए हैं, लेकिन क्या ये मजबूती आम लोगों में दिखती है? संभवतः ये आप कहोगे नहीं, आम लोग अभी भी दो रोटी के लिए ही परेशान रहती हैं। तो जनरल सी बात, हम किस बात पर जो है आर्थिक ताकत के रूप में उभरे हैं? हमारी करेंसी का वैल्यू अभी भी बहुत कम है। आपको पता ही होगा, अगर अमेरिका से तुलना किया जाए भारत की करेंसी की, तो जर्नल सी बात है आज कहते हैं 60 से भी ऊपर पहुंच चुका है। एक डॉलर का वैल्यू जो इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 60 से ऊपर हो चुका है। तो इसका मतलब है कि भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत ही निम्न स्तर पर ही है, और पहले भी ऐसा था। क्योंकि यहाँ पर जर्नल सी बात है, लोगों के लिए काम नहीं किया जाता है। जो राजनीतिक नेता होते हैं अपने लिए काम करते हैं, अपने सीट के लिए काम करते हैं, इसलिए भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से जो है कार्यरत नहीं होती हैं। वहीं पर हम यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ में आर्थिक ताकत से जो है राजनीतिक ताकत बनने के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम यूरोपीय संघ की शक्ति और ताकतों के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट ये बताता है कि यूरोपीय संघ धीरे धीरे एक आर्थिक संघ से एक राजनीतिक संघ में विकसित हुआ है और यह एक राष्ट्र राज्य बन गया है। यानी देखा जाए तो यूरोपीय संघ काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह एक जो है राजनीतिक संघ में विकसित होते हुए एक राष्ट्र राज्य बन गया है। हालांकि इसका कोई संविधान नहीं है, यूरोपीय संघ का अपना कोई संविधान नहीं है, लेकिन इसका अपना ध्वज अवश्य है, राष्ट्रीय गान भी है और स्थापना तिथि और मुद्रा भी इनके पास है, यानी करेंसी भी इनके पास है। अन्य राज्यों के साथ व्यवहार में इसकी एक सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति भी है। तो यूरोपीय संघ जो है वहाँ की राजनीतिक ताकत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वहाँ पर आर्थिक ताकत बनना बहुत ही आसान बन जाता है। पूर्व में जो है 24 गुट ने से नए सदस्यों को शामिल करके यूरोपीय संघ द्वारा सहयोग के क्षेत्र का विस्तार भी किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ है कि जो है 24 संघ के गुट से सदस्यता को शामिल करके यूरोपीय संघ और भी शक्तिशाली बन गया है। यदि अगला पॉइंट को हम देखें तो यह साफ करता है कि यूरोपीय संघ की सत्ता का आर्थिक से राजनीतिक सत्ता में स्थानांतरित आसान नहीं रहा, क्योंकि लोग बहुत ही उत्साहित नहीं थे। यानी यूरोपीय संघ की सत्ता का आर्थिक से राजनीतिक सत्ता में स्थानांतरण आसान नहीं था, लोग बहुत ही उत्साहित थे। यूरोपीय संघ में कुछ नए देशों को शामिल करने के लेकर भी आपत्तियां हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ कहते हैं इसमें कुछ खामियां भी देखने को मिला है कि यूरोपीय संघ में कुछ नए देशों को शामिल करने के लेकर भी आपत्तियां हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है कि कुछ अच्छा जो करना चाहता है लोग उसको अच्छा करने नहीं देते हैं, और जो अच्छा नहीं करते हो तो ऐसे ही अच्छा लोगों के लिए होते नहीं हैं। भारत में भी ऐसा कुछ देखने को मिला है। देखिए, भारत में भी अगर आप देखिएगा तो कुछ अच्छी बात अगर सरकार कर रही है तो लोग उसको, दूसरे पार्टी के लोग जो है उसको नकार रहे हैं। अगर दूसरे पार्टी के लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सरकार उसको नकार रही है। ये खामियां हमारे देश को जो है कभी विकास के रास्ता पर ले नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं जो सही है उस बातों का अनुसरण करना सरकार का भी दायित्व है और सभी पार्टियों का भी दायित्व है, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही होता है, आम गरीब जनता। यानी जनता के लिए सभी पार्टी बनती है और जनता के भलाई के लिए ही सोचना
प्रत्येक पार्टी का कर्तव्य होना चाहिए, इवन की सरकार को भी, तभी जाके कोई देश जो है शक्तिशाली बन सकता है। और यूरोपीय संघ में भी कुछ हद तक देखा गया, कुछ खामियां भी देखी गई। जहां पर यूरोपीय संघ में कुछ देश शामिल हो रहे थे तो उसमें बहुत से लोग ने जो है आपत्ति दर्ज किए। फिर भी इसके पीछे कुछ कारक हैं, उसी कारक के विषय में हम यहाँ विचार करने जा रहे हैं जो कि 3 पॉइंट के अंतर्गत है। इसके उद्देश्य यूरोप को जो है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इतना मजबूत बनाना था कि वो अमेरिका, रूस जैसी शक्ति का मुकाबला कर सकें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अपने देशों को हम ऐसे मजबूत बनाएं कि सभी देशों के समक्ष जो है चुनौती देने के सदैव तैयार रहे। तो यूरोपीय संघ का भी यही एक उद्देश्य था कि यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से इतना मजबूत बनाना था कि वो अमरीके जैसे पावरफुल कंट्री और रूस जैसे शक्तिशाली का मुकाबला बहुत ही आसान तरीके से किया जा सके। इवन कि यूरोपीय देशों को शिकायतों को संयुक्त राष्ट्र में भेजने के लिए दो देश यानी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस यूएनए के सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। अब ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि यूरोपीय देशों की शिकायतों को संयुक्त राष्ट्र में भेजने के लिए दो देश यानी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जो कि यूएनए के सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं की मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रह जाता है। यदि हम तीसरे पॉइंट की तरफ ध्यान दें तो ये साफ करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ अस्थायी सदस्यों की उपस्थिति के कारण जो है ईयू जो है अमरीकी नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ अस्थायी सदस्य की उपस्थिति के कारण जो है अमेरिका की नीति को प्रभावित करने में सक्षम हो सकेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिका तब प्रभावित होगा जब हमारे देश के जो है सख्त रूल रेगुलेशन होंगे और यहाँ पर नीतियाँ जो है सही तरह से लागू होगी, क्योंकि कोई भी देश अगर तरक्की करता है तो दूसरे देशों पर इसका प्रभाव जरूर देखने को मिल जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये यूरोपीय संघ काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें ज़रूरी है कि यहाँ तालमेल बना के जो है अपने आप को आगे बढ़ाना, और ये हर एक देश के लिए ज़रूरी है कि सभी मिलजुल के जो है एक साथ तालमेल मिला के आगे बढ़ना है। कहते हैं जो देश तालमेल बना के आगे बढ़ता है वो सदैव ही हर देश के शीर्ष पे रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमने डिस्कस किया जो ज़रूरी भी था। अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करने का मन है, इच्छा है, तो आप एक कार्य अवश्य कर सकते हैं। यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप डिटेल्स पर लगा देना है। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, जो बच्चे आपके मित्र होंगे, उनको ज़रूर ये वीडियो मिल जाएगा तो वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है हर बच्चे को जो पास जो है सही ज्ञान और सही मेतत्व जाए और देश का जो है सही विकास हो। ठीक है दोस्तों, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो उनको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि एमए से लेके जो है 8th क्लास तक बच्चों को सारी वीडियो उपलब्ध है। इवन कि आपको पता है प्लस टू के वीडियो जो है पॉलिटिकल साइंस के चल रहे हैं,